दोस्तों मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग अपनी बॉडी के फैट से परेशान हैं, आप लोगों का पेट निकला हुआ है और आप उसे कम करना चाहते हैं। ये कमेंट मेरे पे बहुत बार आई और इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि बॉडी के फैट परसेंटेज को आखिर कम किया कैसे जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत तेजी से अपना बॉडी का फैट कम कर लेते हैं। बहुत सारे एक्टर्स को आप लोगों ने देखा होगा, वो लोग बहुत तेजी से डाइट के थ्रू अपनी बॉडी के फैट को कम कर लेते हैं। क्या क्या चीजें आपको करनी है आपको एक्सरसाइजेस भी बताऊंगा और उन एक्सरसाइजेस को कैसे परफॉर्म करना सारे तरीके आप जान लोगे तो आपका जो बॉडी का फैट परसेंटेज है वो बहुत तेजी से ड्रॉप होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए आप लोगों को पता होगा कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या चीज पॉसिबल है आज मैं आपको यह बता देता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका हाथ बहुत ज्यादा पतला होता है, पैर बहुत ज्यादा पतला होता है, लेकिन उसके बावजूद उनका पेट निकला होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो उनका फैट परसेंटेज है, जो उनकी बॉडी में फैट है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से बट रहा है। मतलब उनके पेट में ज्यादा फैट है, उनके हाथ में और पैर में कम फैट है। तो इसका सीधा सा एक मतलब ये निकलता है कि अगर उस बैलेंस को हम बराबर कर लें, मतलब उसको हम एकदम बैलेंस कर लें कि आपके पेट में भी जितना फैट है उतना ही आपके हाथ में फैट हो, तो दोनों ही तरह से आपका जो फैट है ओवरऑल वो कम हो जाता है। अब इसके लिए देखिए हमें करना क्या होता है, इसके लिए बहुत ही सिंपल सी आज आपको मैं 5 एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिनको जब आप करोगे तो आपका जो वो फैट है वो आपकी बॉडी से हिल जाएगा। मैंने पहले भी बताया है कि आपकी जो सेल्स हैं वो अपनी जगह से अगर हिल जाएंगी तो उनको काटने में, उनको तोड़ने में, जो आपकी फैट सेल्स हैं उनको काटने में इजी होता है, आसानी होती है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप लोग अपने पेट की एक्सरसाइज करो, एब्स की एक्सरसाइज करो। क्या होगा जब आपकी मसल्स निकलेंगी, एब्स की ऊपर आएंगी, तो आपकी जो फैट की सेल्स हैं वो कम होंगी और आपका फैट भी धीरे धीरे ड्रॉप होने लगेगा। तो अभी चलो सीधे हम अपनी एक्सरसाइजेस पे आ जाते हैं। जो हमारी पहली एक्सरसाइज है उसे बोलते हैं माउंटेन क्लाइंबर। इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। माउंटेन क्लाइंबर एक्सरसाइज को आपको तब तक करना है जब तक आपको थकान ना लग जाए। कोई भी रिपीटेशन नहीं करना है, कोई भी सेट्स नहीं लगाने हैं, तब तक करते रहिए जब तक आपकी थकान ना हो जाए, हल्का सा आपकी बॉडी से पसीना ना आने लगे। उसके बाद बात करते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की जिसको बोलते हैं जैक नाइफ सेटअप। इस एक्सरसाइज को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ये एक्सरसाइज आपके लिए थोड़ी हार्ड हो सकती है। अगर आप लोग ज्यादा मोटे हैं तो आप लोग धीरे धीरे परफॉर्म करें, लेकिन धीरे धीरे आपको इसका टाइम बढ़ाते जाना है और आप देखोगे कि फैट परसेंटेज आपका काफी तेजी से ड्रॉप होने लगेगा। उसके बाद में बात करते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की जिसको बोलते हैं रशियन ट्विस्ट। ये एक्सरसाइज हमारे साइड फैट के लिए बहुत अच्छी होती है। मैं पहले ही बोल चुका हूं स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, एक जगह से फैट नहीं कम कर सकते हो, लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से होता क्या है, आपका जो साइड फैट है उसकी जो सेल्स है, जो फैट सेल्स है वो हिल जाती हैं। तो आगे जब आपका फैट कटेगा तो आपका जो साइड फैट है वो तेजी से कटेगा और जो बॉडी में फैट है उसकी अपेक्षा में, तो आपका फैट वहां तेजी से कटेगा और आपका जो साइड फैट है वो कम हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की जिसको बोलते हैं कमांडो प्लैंक। इस एक्सरसाइज को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। देखिए कमांडो प्लैंक एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके मिड एरिया के लिए, आपका जो पेट का एरिया है उसके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को खत्म कर लेने के बाद में लास्ट में आप थोड़ी देर जो प्लैंक की पोजीशन उसमें भी आप लोग रुक सकते हैं, तो काफी कारगर एक्सरसाइज आपके लिए हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं जिसे बोलते हैं फ्लटर किक। फ्लटर किक एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपका नीचे से जो पेट का हिस्सा है, जो लटका हुआ पेट होता है, उसे कम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। आप लोग इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से अपने पैरों को चला के परफॉर्म कर सकते हैं। ये जितनी भी एक्सरसाइजेस आज मैंने आपको बताई, इन सभी को करके आप अपनी बॉडी का जो फैट सेल्स है उन्हें बहुत ज्यादा हीट कर देते हैं, जिस वजह से वहां से जो ड्रॉपेज है फैट का वो ज्यादा तेजी से होता है और आपकी जो ओवरऑल बॉडी है उससे भी तेजी से फैट कटने लगता है। इन सारी एक्सरसाइज को करने के साथ साथ में इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको शुगर बिल्कुल बंद कर देनी है। मैं पहले ही बता चुका हूं शुगर खाने से हमारा इंसुलिन लेवल बढ़ता है, जिससे हमारी भूख बढ़ती है और हम ज्यादा ज्यादा खाना खाते हैं। शुगर बंद कर देना है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आपको अपने खाने में कम कर देनी है। गूगल पे सर्च कर सकते हो किस फूड में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आपको पता चल जाएगा, पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी।
उस पूरी लिस्ट के तहत जो भी फूड्स हैं उनको थोड़ा सा आपको कम कर देना है। आप लोगों को प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देनी है। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाओगे तो मसल्स आपकी ज्यादा ग्रो होंगी और फैट सेल्स आपकी धीरे धीरे कम होने लगेंगी। तो दोस्तों ये जो भी चीजें मैंने आपको बताई इन सभी को करके आप बहुत ही कम समय में अपने फैट को कम कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो, अच्छा लगा हो दोस्तों में शेयर करिएगा और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।